नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2213 परीक्षा, आपको बताएं दरोगा के लिए ली जाने वाली परीक्षा 26 दिसंबर को ही बिहार के विभिन्न जिलों में संपन्न हुआ। और आपको बताएं कि इसका रिजल्ट जो है वो इसी माह आ जाएगा। आपको बता दें कि हमने लगातार कॉलर प्रोग्राम चलाया था रहमान सर के साथ, और रहमान सर दावे के साथ कहते रहे कि होली तक इसका मेंस भी हो जाएगा और इसका रिजल्ट जो है 1 से 1.25 महीने के अंदर में आएगा। और आपको बता दें कि इसी से संबंधित खबर आज हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है, जिसमें दिया है कि इसी माह आएगा 2213 बिहार दरोगा के पीटी का रिजल्ट, और स्थितियां सामान्य रहीं तो होली तक मेंस होने की भी संभावना है। जबकि रहमान सर का कहना है कि होली तक मेंस हो जाएगा। आपको हम पूरा खबर पढ़ के बताते हैं जो हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए दिसंबर में हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसी माह के आखिरी या फरवरी के शुरू में रिजल्ट जारी कर सकता है। दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों के लिए 26 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट इसी माह के अंत तक आ सकता है। यदि कुछ विलंब हुआ तो फरवरी के शुरू तक रिजल्ट अवश्य जारी कर दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि इसमें आगे दिया हुआ है कि संक्रमण का दौर थमा तो जल्द होगी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा और सार्जेंट की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। यदि कोरोना का संक्रमण इसी तेजी से फैलता रहा तो मुख्य परीक्षा में देर हो सकती है। हालात बेहतर हुए तो आयोग बगैर समय गंवाए मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। कुल पदों के मुकाबले कम से कम 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा, लिहाजा अभ्यर्थियों की संख्या 44,000 से अधिक पहुंचेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य परीक्षा सिर्फ पटना के विभिन्न केंद्रों पर ली जा सकती है। तो आपको बता दें कि 2213 जो दरोगा की के कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीटी का परीक्षा दे दिया है, अब वो मेंस की तैयारी में सीरियसली लगे रहे, क्योंकि इसी महीने रिजल्ट दिया जाएगा आपका और बहुत जल्दी मेंस का परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताएं कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, मेरे पास कल लगभग 40 फोन आया होगा, मैसेज आया होगा, वो जो कैंडिडेट हैं जो 2019 से इस परीक्षा में लगे हुए हैं, 3 महीने हो गए उनके मेंस के रिजल्ट दिए हुए, लेकिन फिजिकल की कोई सूचना नहीं दी गई और आगे की प्रोसेस को लेकर आयोग कान में तेल डाल के बैठा हुआ। आखिर मुझे समझ में नहीं आता है कि आयोग की जो तेजी दरोगा की परीक्षा के लिए रहती है वो आखिर इन्फोर्समेंट के लिए क्यों नहीं रहती है। 6 दिसंबर 2019 को उसका नोटिफिकेशन दिया गया, उसके एक साल बाद 6 दिसंबर 2020 को उसका पीटी परीक्षा लिया गया, मेंस भी ले लिया गया, और 9 अक्टूबर 2021 को मेंस का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं उसको लेकर कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है। 212 ही मात्र पद हैं उसमें और उसके छात्र परेशान हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं कि आखिर हमारी परीक्षा कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। इन सब के बीच में आपको बताएं कि 2213 का नोटिफिकेशन आता है, 26 दिसंबर को उसका परीक्षा भी हो जाता है, जनवरी में रिजल्ट आने की भी संभावना और होली तक मेंस हो जाने की भी पूरी संभावना है, लेकिन ईएसआई पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो आयोग को जरूरत है कि ईएसआई यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी कार्रवाई जो है, उनका अगला फेज जो है उस पर जल्दी शुरुआत हो, उसकी फिजिकल की घोषणा की जाए, इंटरव्यू लेना है वो इंटरव्यू पूरा किया जाए और जल्द से जल्द उनकी बहाली की जाए। तो आपको बता दें कि 2213 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको हमने बताया, लगातार कॉल किया आपने और रहमान सर से आपने बात किया कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, उन्होंने हरेक छात्रों के प्रश्नों का जवाब दिया। तो आप तैयार रहें, जिनका भी जनरल कैटेगरी में है 60 से ऊपर है वो तैयार रहें, आपका रिजल्ट आने का पूरा संभावना है और आपका फिजिकल में होने की भी पूरी संभावना है और बहुत जल्द मेंस लिया जाएगा। संभावनाएं ये हैं कि अगर कोरोना जनवरी तक इसमें उतार शुरू हो गया, फरवरी में स्थितियां सामान्य होने लगी,
तो होली से पहले आपका मेंस ले लिया जाएगा। उसके लिए आप तैयार रहें। 2213 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, 44,000 के आसपास यानी 40,000 प्लस रिजल्ट भी दिया जाएगा, रिजल्ट भी काफी संख्या में दिया जाने वाला है। तो काफी अहम सूचना है हिंदुस्तान पेपर से। हालांकि रामान सर परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि जनवरी में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, 40 दिनों के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही आज बिहार का सबसे प्रमुख अखबार में भी खबर छपा हुआ है। तो इसको सत्य मानते हुए छात्र अपने मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ फेज बाकी है। पीटी के बाद मेंस है, फिजिकल है, तो फिजिकल भी आप करते रहें तैयारी, कुछ समय अपने आप को फिट करने में भी रखें और मेंस में पूरा फोकस लगा दें। हम आपके अच्छे तैयारी की कामना करते हैं और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल द इंडिया टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद।